पहले कभी किसी को ये बताया नहीं है, तो वैसे मैं चाह भी नहीं रहा था बताने से। मैं कहा चलो सोच, चलो यार छोड़ो, वीडियो में बता देते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनको मैं बता देता हूँ, भाई तुम्हारा जो सच होता है झूठ होता है, मैं बोलता ही नहीं हूँ किसी को, बट मुझे पता लग जाता था और मैं फिर प्रेफर करता था चलो चुप रहो यार, अगले बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोला है और मैं उसे बता दूंगा, वो पकड़ा गया तो फिर लस्सी सी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मसल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि फेक रनिंग कैसे करनी है। तो वैसे तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट वेला बैठा था मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेता हूँ। तो सबसे इसमें दो तीन चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहली बात है कि फेक रनिंग कैसे करनी है ताकि कोई आपको पकड़ ना पाए। ये आजकल आपने देखा 100 डेज में और ये सब चल रहा है, जो कितना फेक का सिस्टम चल रहा है, और अपने अल्ट्रा में कई लोग कितनी ज़्यादा फेक करने लग पड़े हैं रनिंग, मगर पकड़े जाते हैं। वो अलग बात है कि चलो उनको कोई बोलता नहीं है तो, मगर फिर भी पकड़े जाते हैं। तो आपने फेक रनिंग करनी कैसे कि पकड़े ना जाओ, इसका देखो दोस्तों बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अपने हाथ में गार्मिन पहनो, जैसे मेरे हाथ में गार्मिन वॉच है, ठीक है, जो भी आपके पास वॉच है वो पहनो, ऑन द स्पॉट रनिंग शुरू कर दो। ऑन द स्पॉट रनिंग का मतलब होता है आपने मूवमेंट नहीं देनी है, उसी जगह खड़े होके और ऐसे 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 पैरों के साथ करते रहो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सारा डाटा एकदम एक्यूरेट आएगा और आप बड़े आराम से 4.5-5 की पेस पे आपकी रनिंग कर लोगे। उसमें आप जो जो भी डाटा आपका देखेगा, केडेंस हो गई, आपका स्ट्राइड लेंथ हो गई, उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। और अगर आपको उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आती है, मैं बता देता हूँ क्या, वो होता है कि आपका GPS का मैप, क्योंकि जब आप मूवमेंट ही नहीं दे रहे तो मैप क्या आएगा चिक्कू। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको मैप लेके आना है तो बीच में थोड़ा सा कहीं पर राउंड मार लिया, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर का एक आध राउंड मार लिया, फिर ऑन द स्पॉट रनिंग शुरू कर दी, फिर एक आध राउंड मार लिया, फिर ऑन द स्पॉट रनिंग शुरू कर दी। तो उससे आपका GPS का मैप भी बनता रहेगा और आपकी फेक रनिंग भी होती रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये टिप काम में आई हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और अपना जो लैडर आपका बन रहा है, ठीक है, अगर आप पीछे हो तो टॉप पे आ जाना, कोई चक्कर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरे कारण आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है। ये तो था फेक रनिंग। अब फेक रनर्स को पकड़ना कैसे है दोस्तों, ये जो मैं आपको एक टिप बताने लगा हूँ ना कि फेक रनिंग को पकड़ना कैसे है, ये चीज़ एक्चुअली सिर्फ रनिंग में काम नहीं आएगी, आपके लाइफ में हमेशा काम में आएगी। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये चीज़ जो है ये सामने आई थी, और ये 80-90% जगह पर प्रॉपर काम करती है। अगर बंदे को इस चीज़ के बारे में पता है कि आप उसके साथ ही करने लगे तो वो आपको थोड़ा बहुत फेक कर सकता है, मगर ये चीज़ हमेशा काम आती है। और ये सिर्फ रनिंग में नहीं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप किसी के इंटरव्यू ले रहे हो या आपके पार्टनर के साथ, जहाँ पर भी कहीं पर आपको लगता है कि कोई बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, रिलेशनशिप में या नॉर्मल आपकी यारी दोस्ती में, ऑफिस में, कहीं पर भी, तो आप इस दोस्त को इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि दोस्तों देखो, ये हमारे जो ये दिमाग होता है, माइंड होता है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ब्रेन जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो उसमें हमारी सारी यादें, जो हमने कुछ किया है वो सब सेव होता है। हम जब भी कुछ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, जो हम रिकॉल करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन से रिकॉल करते हैं, मगर जब भी हम कुछ इमेजिन करते हैं या इमेजिनरी चीज़ करते हैं वो राइट ब्रेन से करते हैं। यानी कि जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होगी, जिसे हम क्रिएट करते हैं, वो राइट ब्रेन की तरफ से होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी कोई आदमी सच बोलेगा और वो किसी चीज़ को रिकॉल करके बोलेगा, तो उसकी जो आईज की मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड को हो जाएंगी ऐसे करके, जब भी वो कुछ रिकॉल करेगा जो एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन चल रहा है, ठीक है। तो उसके लेफ्ट साइड को ऐसे आईज ऊपर हो जाएंगी। मेरा लेफ्ट है, आपको वीडियो में शायद ये राइट साइड पे दिखेगा, तो ये इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। अभी मेरे लेफ्ट में है, ये मेरा, दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड, और मैं लेफ्ट ब्रेन से सोच रहा हूँ कि मैंने 10 किलोमीटर किए या मैंने 80 किलोमीटर किए थे, और मैं उसके बारे में सोच के किसी को बताऊँगा तो मेरी आईज ऐसे ऊपर को इधर पे चढ़ेंगी। यही चीज़ अगर मैं झूठ बोलूँगा कि मैं 100 डेज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मेरी सारी रन से एकदम जेनुअन है, ठीक है, और मैं उसके बारे में बात करूंगा, तो वो चीज़ कभी हुई ही नहीं है क्योंकि वो फेक है। तो उसके बारे में मैं इमेजिनेशन के साथ कुछ क्रिएट करूंगा तो मेरा राइट ब्रेन काम आएगा। तो जो मेरी आँखें हैं ये राइट साइड को मूव करेंगी, ये दिस इज़ माई राइट हैंड, और मैं ऐसे बोलूँगा यार मैंने 100 डेज में ना 50 किलोमीटर डेली के हिसाब से करूँ, और वो जो 50 किलोमीटर हैं वो मैं रोज़ करता हूँ,
ये चीज़ें ये आपको नोट करना है। तो ये जो आइस की मूवमेंट है ये आपको बता देंगे कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अजमाया हुई चीज़ है, मैंने आज से पहले कभी किसी को ये बताया नहीं है, तो वैसे मैं चाह भी नहीं रहा था बताने से। मैंने कहा चलो सोच, चलो यार छोड़ो, वीडियो में बता देते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनको मैं बता देता हूँ, भाई तुम्हारा जो सच होता है झूठ होता है, मैं बोलता ही नहीं हूँ किसी को, बट मुझे पता लग जाता था और मैं फिर प्रेफर करता था चलो चुप रहो यार, अगले बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोला है और मैं उसे बता दूंगा, वो पकड़ा गया तो फिर लस्सी सी हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये जो मैंने आपको टिप बताई है फेक रन कैसे करें और फेक रनर को कैसे पकड़ें, अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना, और इस कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और अगर आपने लाइक कर दिया वीडियो तो नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करना मत भूलना। दोस्तों मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, बस आप नीचे कमेंट करके बता दो कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगी। बोलने में क्या जा रहा है।